आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट बताने वाला हूँ। इस वेबसाइट का नाम है apps.suno.ai। आप अगर एक सॉन्ग क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट से आप क्रिएट कर सकते हैं। आपने अगर अपना सॉन्ग लिखा हुआ है, एक लिरिक्स आपके पास रेडी है, तो यहाँ पर आप इस वेबसाइट की मदद से, इस वेबसाइट की हेल्प लेके एक अच्छा सा सॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। इस वेबसाइट को आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट करके ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कस्टम मोड करके ऑप्शन आएगा, इसको आपको ऑन कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो सॉन्ग आपने लिखा हुआ है वो यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है। अगर आप पीसी में कहीं पर अगर आपने लिख के रखा हुआ है तो वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, या फिर अगर आपने नोटबुक में लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप क्या करिए, उसका एक सॉफ्ट कॉपी लिख लीजिए और उसको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो स्टाइल है इसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है, एकोस्टिक पॉप करके यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस तरह का कोई भी स्टाइल यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको टाइटल देना है तो आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर टाइटल नहीं दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर मैंने स्टोरी लिखा हुआ था। मेरे पास तो कोई लिरिक्स था नहीं तो मैंने यहाँ पर स्टोरी लिख दिया है। तो स्टोरी में आपको बता दो कौन सा मैंने लिया था। यहाँ पर एक आप वेबसाइट देख सकते हैं हिंदी कहानियाँ करके, तो यहाँ पर एक हीरा राम ने दो बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, इस तरह की यहाँ पर स्टोरी है। आप देख सकते हैं नॉर्मल स्टोरी है। अब मैंने क्या किया, ये जो स्टोरी है ये स्टोरी वहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने दो सॉन्ग यहाँ पर मुझे जनरेट करके दे दिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदी रैप सॉन्ग मुझे क्रिएट करके दे दो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर दो गाने जो है वो क्रिएट करके मुझे दिए हैं। और ये जो दोनों गाने हैं किस तरह से क्रिएट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दोनों सॉन्ग है इसको थोड़ा सा सुन लेते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी के हिसाब से इसने अगर ये गाना बना के दिया है तो अगर आप सच में यहाँ पर कोई भी अच्छा सा लिरिक्स लिखोगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर सॉन्ग क्रिएट करके दे देगा। तो चलिए इसको पहले सुन लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो दूसरा सॉन्ग है वो भी इसने क्रिएट किया है, इसको भी मैं आपको सुना देता हूँ। सॉन्ग यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 1 मिनट और 20 सेकंड का है। यहाँ पर मैं आपको पूरा नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको 20-25 सेकंड का ही सुनाऊंगा। बाकी आप जब जनरेट करोगे तो आप पूरा सॉन्ग सुन लेना, उसके बाद आप डाउनलोड भी कर लेना। डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको भी एक बार सुन लेते हैं। ये दोनों सॉन्ग आपको समझ में आ गया होगा सुनने के बाद कि किस तरह से इसने जनरेट करके दे दिया है। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर इसने जनरेट किया है। और यहाँ पर जो मैंने ये हिंदी वाला जो रैप सॉन्ग जो मैंने क्रिएट किया था वो भी मैं आपको एक बार सुना देता हूँ, तो इसको भी आप एक बार सुन लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने हिंदी रैप सॉन्ग बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब आपको क्रिएट कैसे करना है मैं वापस से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो पेज है इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर वापस से मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और आप देखना जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ उसी स्टेप से आपको काम करना है। पहले एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर क्रिएट पर मैंने क्लिक किया और ये जो कस्टम मोड है उसको आपको बंद कर देना है। ठीक है, तभी ये क्रिएट वाला ऑप्शन आएगा। कस्टम आप करोगे तो यहाँ पर आप कोई भी स्टोरी वगैरह लिख सकते हो, लिरिक्स वगैरह यहाँ पर लिख सकते हो। और अगर आपको लिरिक्स यहाँ पर अगर आपको खुद की नहीं लिखनी है तो यहाँ पर आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जनरेट भी हो जाएगी। ठीक है, तो वापस से मैं यहाँ पर ये कस्टम मोड ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर मैं वापस से लिखने वाला हूँ हिंदी हिप हॉप सॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि हिप हॉप सॉन्ग को किस तरह से ये क्रिएट करता है। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने दोनों सॉन्ग एक साथ में स्टार्ट कर दिया, मतलब कि दो बार ये सॉन्ग आपको क्रिएट करके देगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से इसने हिंदी हिप हॉप सॉन्ग को क्रिएट किया है। तो सबसे पहले ये जो आग लगा दे करके है इसको मैं प्ले करने वाला हूँ। टाइटल से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखते एक बार प्ले करके। तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जो लिरिक्स है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप अगर चाहो तो यहाँ से कॉपी करके ले सकते हो, सॉन्ग तो इसने क्रिएट करके दे ही दिया है, लिरिक्स को भी अगर आपको कॉपी करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। अब ये जो ऊपर वाला है इसको भी प्ले करके देख लेते हैं। सारी दुनिया मसलेदार, जैसे ही बीट बजती है सब लोग नाचे जगमगाते हैं, यहाँ पार्टी शुरू होती है, रात दिन बस्ती में हम रैप सुनाते हैं, हर गली में टैलेंट। तो ये दोनों सॉन्ग मैंने आपको सुना दिए हैं और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इसने रैप सॉन्ग जो है वो क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों सॉन्ग आपको समझ में आ गए होंगे, सुनने के बाद आपको मज़ा भी आया होगा। अब वापस से मैं अगर आपको स्टोरी वाला बताऊं तो वापस से यहाँ पर आपको जाना है, कस्टम मोड पर क्लिक करना है। पहले तो इसको मैं निकाल देता हूँ। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास लिरिक्स होगा वो यहाँ पर आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो मेरे पास तो यहाँ पर कोई लिरिक्स नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कोई भी एक यहाँ से कहानी ले लेता हूँ। तो जैसे कि ये वरदान करके है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं ये किस तरह से इस कहानी को सॉन्ग में कन्वर्ट करके दे देगा। ये वरदान से यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। और आपको वापस यहाँ पर आके पेस्ट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं हिप हॉप लिख देता हूँ और यहाँ पर क्रिएट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। वरदान विंध्याचल पर्वत मध्यरात्रि के निविड़ अंधकार काले देव की भांति खड़ा था। उस पर उगे हुए छोटे छोटे वृक्ष इस प्रकार दृष्टिगोचर होते थे मानो ये उसकी जटाएं हैं और अष्टभुजा देवी का मंदिर, जिसके कलश पर श्वेत पताकाएं वायु की मंद मंद तरंगों से लहरा रही थी, उस देव का मस्तक है। मंदिर में एक झिलमिलाता हुआ दीपक था जिसे देखकर किसी धुंधले तारे का भान हो जाता था। तो अब ये दूसरा वाला सॉन्ग है, इसको भी प्ले करके देख लेते हैं। मुझे तो काफी मजा आया, बहुत ही अच्छी तरीके से इसने क्रिएट किया है। तो चलिए दूसरे को भी एक बार प्ले करके सुन लेते हैं। वरदान विंध्याचल पर्वत मध्य रात्रि के निविड़ अंधकार काले देव की भांति खड़ा था। उस पर उगे हुए छोटे छोटे वृक्ष इस प्रकार दृष्टिगो, ये अच्छे से क्रिएट नहीं किया इसने। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा रैप करके डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करके थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ पर चेंज होना चाहिए, देखते हैं किस तरह से क्रिएट करता है। अंधकार काले देव की भांति उस पर उगे हुए छोटे छोटे वृक्ष इस प्रकार दृष्टिगोचर होते थे मानो ये उसकी जटाएं हैं, के आसपास में लहू के चूहों की आंच दिख। तो ये इसने किया तो है लेकिन शायद स्टोरी है इसीलिए परफेक्ट तरीके से कर नहीं पाया। आपके पास अगर अच्छे से लिरिक्स लिखा होगा तो आई थिंक ये कर देगा, क्योंकि ये ऊपर वाला तो इसने काफी अच्छी तरीके से कर दिया था। ये लास्ट वाला भी फाइनली देख लेते हैं। वरदान विंध्याचल पर्वत मध्य रात्रि के निविड़ अंधकार काले देव की भांति खड़ा था, यह इसने अच्छी तरीके से नहीं किया है, ठीक है। और ये जो फाइनल ये वाला जो चीज़ है लिरिक्स, इसको भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो इसको मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये अपने आप यहाँ पर लिरिक्स रेडी करके आपको दे देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने क्रिएट तो कर दिया है लेकिन इंग्लिश में किया है, ठीक है, हिंदी में नहीं किया है। और यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है लैंग्वेज का कि जिसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पर क्रिएट कर सको ताकि वो हिंदी में क्रिएट हो जाए। तो इंग्लिश में यहाँ पर क्रिएट हुआ है तो इसको मैं यहाँ पर सॉन्ग में अभी क्रिएट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इंग्लिश में मज़ा नहीं आएगा। हिंदी होता तो मैं यहाँ पर आपको एक बार करके दिखा देता, ठीक है। अब फाइनली आपको डाउनलोड कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला अगर आपको पसंद आ गया है और इसको डाउनलोड करना है तो सिंपली यहाँ पर आपको जाना है और डाउनलोड वीडियो पर आप क्लिक कर सकते हो या ऑडियो पर कर सकते हो। मैं आपको सबसे पहले वीडियो पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने वीडियो को क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब वीडियो को मैं एक बार ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ और एक बार सुन भी लेते हैं इसको। वरदान तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इसने वीडियो को क्रिएट किया है। वीडियो का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई भी एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपको फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर आपको पूरा लिरिक्स आपके सामने आ जाएगा अगर आप वीडियो की फाइल डाउनलोड करते हो तो, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली वापस से यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जैसे कि दूसरा ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप गए और यहाँ पर आपको डाउनलोड ऑडियो पे करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने ऑडियो को डाउनलोड कर दिया है। तो इसको एक बार प्ले करके भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस तरह से ऑडियो को डाउनलोड कर देता है। यहाँ पर आपको लिरिक्स वगैरह दिखेगा नहीं, अगर आप वीडियो में करते हैं तो आपको लिरिक्स दिखेगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला भी मैंने वीडियो में किया था,
वापस से मैं एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर फायदा ये है कि आपको लिरिक्स भी यहाँ पर नजर आएगा अगर आप वीडियो फॉर्मेट में डाउनलोड करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और ये वेबसाइट भी आपको पसंद आई होगी। इस वेबसाइट के बहुत सारे पेड प्लान भी है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फ्री वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको 50 क्रेडिट्स मिलेगा और 10 सॉन्ग इसमें आप जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो पेड प्लान है वो $8 का है और दूसरा $24 का है, ठीक है। इससे ज़्यादा वाला भी अगर प्लान आपको परचेज़ करना है तो यहाँ पर इनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। $8 में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको टोटल 2500 यहाँ पर आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप 500 सॉन्ग को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक सॉन्ग की जो लेंथ है वो है 1 मिनट और 20 सेकेंड। तो इस तरह से यहाँ पर आप 500 सॉन्ग को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको 10,000 यहाँ पर आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप 2,000 सॉन्ग को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये वेबसाइट भी आपको पसंद आएगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है इस वेबसाइट के बारे में या फिर कोई और चीज़ के बारे में तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।